तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्याएं। ओके, इसकी डेफिनेशन परिभाषा की बात करते हैं। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर नोन एज रेशनल नंबर्स, यानी कि ऐसी संख्याएं या ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सब रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, ठीक है। 2/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही 3/4 ये भी रेशनल नंबर है, 5/7 ये भी रेशनल नंबर है, 7/6 ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे गए हैं। यहाँ देखिए इस वाले में 2/3 में यहाँ पी की वैल्यू 2 है और ये क्यू की वैल्यू क्या है? 3। क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। वेयर क्यू इक्वल्स टू 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही हमारी डेफिनेशन है कि ऐसे सभी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिखे जाते हैं लेकिन यहाँ पर क्यू की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका रेशनल नंबर। अब देखिए अगर क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा? तो जो नंबर है वो कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, फिर वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी नंबर आप ले लेंगे जिसमें क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। कुछ नोट पॉइंट है। पहला नोट पॉइंट क्या है? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यानी कि हर एक इंटीजर, हर एक पूर्णांक क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है, यानी कि परिमेय संख्या होता है। हर एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। इन इंग्लिश एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए एवरी होल नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड नोट पॉइंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, ठीक है, इसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इनकी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर नोन एज इरेशनल नंबर, यानी कि ऐसे सभी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे √2 है, किसी भी नंबर के नीचे 0 लिख दीजिए, है ना। जैसे न्यूमरेटर इसका 2 है, इसका डिनोमिनेटर 0 है, ठीक है, यानी कि 2/0 ये कैसा है? इरेशनल है। 7/0 ये कैसा है? इरेशनल है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर, ठीक है, etc। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे सभी नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सभी नंबर कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स की।